डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। यह क्लास फाइव का मैथ बुक है, न्यू मैथ बुक, और ये मिसेलेनियस एक्सरसाइज है। मिसेलेनियस एक्सरसाइज ये चैप्टर वन का है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में द नंबरल 4 करोड़ 25,78,102 इज, कौन सा है ये जो वर्ड्स में लिखा हुआ है वो नंबर में कौन सा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है बी नंबर पे, तो क्या ये सही है, 8 करोड़। तो 8 करोड़ हो गया 25 लाख सही है। उसके बाद 78,000, उसके बाद 102, तो बिल्कुल सही है, ये यही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टू नंबर का जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे देखते हैं। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब हो गया शॉर्ट फॉर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। तो यहाँ पे 5 पे कितना जीरो है, 2, 4, 6 जीरो है, और 2 पे कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4 जीरो है। तो 2 पे यहाँ पे देखते हैं, ए नंबर में, ए नंबर को हम लोग पहले देखते हैं क्या ये सही है। तो 5 हो गया, 5 पे हमें कितना जीरो चाहिए, 2, 2, 4, 6, तो 6 डिजिट है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे 2, 2, 4, 6 है, तो और यहाँ पे एक जीरो है। तो उसके बाद जो है 2 पर जो है 4 जीरो है, मतलब 2 के बाद जो है हमें 4 डिजिट चाहिए, तो वो भी है यहाँ पे। 2 के बाद 4 डिजिट है, उसके बाद 7 पे 3 डिजिट चाहिए, तो 7 पे 3 डिजिट है, ये भी सही है। उसके बाद 900 है, उसके बाद 3 है, इसका मतलब है कि ए नंबर ही इसका आंसर है, सही है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम मैथ द फॉलोइंग जो 2 नंबर में दिया हुआ है उसको लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको आसानी से मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मैच करते हैं। तो फर्स्ट नंबर को बना हुआ है, अब सेकेंड नंबर में यहाँ जो दिया हुआ है, 8 पे कितना है, 2, 2, 4, 6 जीरो है, इसका मतलब 6 जीरो 8 पे कहाँ है, तो ए नंबर में है, 2, 2, 4, 2, 6, तो ये जो है 2 नंबर का जाएगा ए नंबर में, 2 नंबर का ए नंबर में इसको हम ले जाते हैं, ये हो गया। उसके बाद 3 नंबर का 8 पे हमें 4 जीरो चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं 8 पे 4 जीरो, तो 4 जीरो कहाँ है, 8 पे 4 जीरो ई नंबर में, तो इसका जो है ई नंबर पे हम ले जाते हैं। और 4 नंबर का जो है वो 8 पे हमें चाहिए, 2, 2, 4, 6, 7, 7 जीरो चाहिए, तो 7 जीरो हमें लगता है बी नंबर में है, सबसे ज़्यादा हुए हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7 सही है। ये जो है हम इसको ले जाएंगे कहाँ, 7 नंबर में, मतलब बी नंबर में ले जाएंगे 7 जीरो उस पर। उसके बाद 8 पे हमें 3 जीरो चाहिए, नहीं 2 जीरो चाहिए, यहाँ पे जो है 2 जीरो 8 पे चाहिए, तो वो डी नंबर पे हमें मिल रहा है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों को बनाने में थोड़ा सा इसमें मुश्किल आ रहा है, बच्चों को मैं जब बनाने के लिए दे रहा हूँ, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, 2,07,15,078 ये दिया हुआ है। तो इसको आसानी से हम कैसे बना सकते हैं, 2 करोड़, तो आप समझिए कि यहाँ पे 2 करोड़ 2 मतलब करोड़ सिंगल डिजिट में है, तो मतलब हम 1 करोड़ का एक नंबर लेंगे और उस पर हम इसको सेट करेंगे। तो सेट करते हैं यहाँ पे 1 करोड़ का एक नंबर लेते हैं, सिंगल डिजिट का है, इसीलिए 10 करोड़ नहीं जाएगा, ये सिर्फ 1 करोड़ पे जाएगा। तो 1000 हो गया, 10,000,00,000, 10 लाख, और 1 करोड़ हो गया, ठीक है, इतना बड़ा नंबर बनेगा। तो सबसे पहले 2 करोड़, तो 2 करोड़ के लिए हम 2 ले लीजिए, 2, उसके बाद 7 लाख जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है 7, तो इसमें 2 डिजिट आता है, इसका मतलब 1 जीरो पहले लगेगा, उसके बाद 7 लगेगा, 7 लाख हो गया। उसके बाद 15,000 में 2 डिजिट होता है, और यहाँ पे जो है तो 2 डिजिट है ही, 15, तो 15 लिख देते हैं यहाँ पे, 15 हो गया, 15,000 आ गया। उसके बाद 78 है, तो 100 में नहीं है, तो 100 की जगह पे हम 0 लगाएंगे और 78 लिख देंगे, ये हो गया, मतलब ये इसका आंसर है, ठीक है, ये ठीक से देख रहे हैं यहाँ पर 2,071,50,78 सही आ रहा है, बिल्कुल ये सही है। उसमें नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट में यहाँ दिया हुआ 31 करोड़ 31, यहाँ ध्यान देना है 31, ये जो है इस तरह से 31 हो गया, तो ये 2 डिजिट में है, 2 डिजिट का मतलब है कि करोड़ में जब 2 डिजिट लेंगे तो वो 10 करोड़ तक जाएगा, तो इसीलिए हम 10 करोड़ का एक नंबर ले लेते हैं, 1, ये हो गया, उसके बाद 10,000,10,000,00,000,1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 0 इतना बड़ा नंबर जो है हमें लेना है, तो इतना बड़ा नंबर बनाना है, करोड़ में ये आ गया, लाख में ये आ गया, क्योंकि कोमा इस तरह से लगता है, 1000 में ये आ गया, और ये 100 इस तरह से कोमा लगाते हैं हम लोग, इस तरह से लगाते हैं, तो उसी तरह से हमें नंबर भी सेट करना है। तो यहाँ पे 31 करोड़ हो गया, 31 करोड़ के लिए हम 31 लिख लिए, ये करोड़ में चला गया। अब हमें लाख का नंबर चाहिए, तो यहाँ पे लाख में 20 लाख, तो 20 लाख, 20 जो है वो 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट लाख के लिए यहाँ पे बनाई है, तो यहाँ पे हम 20 दे दिए, ये लाख में मेरा ख़त्म हो गया, लाख का हो गया। अब
क्या है 20 लाख हो गया, 7000, तो 7000 दिया हुआ है, तो 7000 के घर में दो डिजिट है, तो 7 जो है सिंगल डिजिट है, इसीलिए हम पहले 0 लेंगे, उसके बाद जो है 7 लेंगे, ले लिया 7 तो 7000 हो गया, उसके बाद 9, तो 100 और 10 के प्लेस पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे 100 के लिए 0 और 10 के लिए भी 0, उसके बाद 1 के लिए 9, ये हो गया। तो ये इसका आंसर होगा कम्प्लीटली, ये हो गया। तो 312 यहाँ पे कोमा लगा के आप समझ सकते हैं, यहाँ कोमा लगा देते हैं, यहाँ कोमा लगा देते हैं, यहाँ कोमा लगा देते हैं, 31 करोड़ हो गया, 20 लाख हो गया, 7000 और 9 हो गया, कंप्लीट हो गया, ये आंसर होगा। नेक्स्ट में लेते हैं जो लास्ट है इसका, तो यहाँ कितना होगा 50 करोड़, तो यहाँ भी टू डिजिट का है, तो मतलब यहाँ है कि हमें हमें यहाँ पे 10 करोड़ का एक नंबर लेना होगा, 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, इतना बड़ा नंबर चाहिए हमें, जैसे कि पिछला नंबर जो हम लोग बनाए थे उसी तरह से। तो यहाँ पे 50 करोड़, तो करोड़ का जो है वो 50 हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 50 हो गया, करोड़ ख़त्म हो गया। उसके बाद लाख में क्या दिया हुआ है, 20 लाख, तो 20 लाख, लाख में दो घर है, यहाँ पे देख रहे हैं लाख में दो घर है, ठीक है, तो दोनों इसमें एडजस्ट हो गया, 20 लाख, 10,000, तो 10,000 में इसमें भी दो घर है, तो 10 में टू डिजिट तो होता ही है, 10,000 दे दिए, 469 तो लिख ही सकते हैं, यहाँ पे हमें तीन डिजिट का नंबर चाहिए, तो 469 ये हो गया। तो इस तरह से ये नंबर कंप्लीट हो गया, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, 50 करोड़, 20 लाख, 10,469, ये आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू निकालना तो काफ़ी ईजी होता है, चलिए प्लेस वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो 5 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 5 से हम एक एरो लेते हैं इस तरह से, और क्या करते हैं 5 लिख देते हैं, 5 लिख दिए, उसके बाद क्या है कि उसके बाद कितने डिजिट हैं, 2, 4, 6 डिजिट है, इसमें हम 60 लगा देते हैं, 3, 4, 5, 6, बस यही इसका आंसर है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट में है यहाँ पे 5 है, तो उससे हम एक एरो लेते हैं और यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं 5, यहाँ लिखते हैं 5, लिखने के बाद क्या है कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 50 इस पर लगा देते हैं, कितना हुआ 415, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट में है 5, तो यहाँ पे 5 जो है यहाँ लेते हैं, 5 पे कितने हैं, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 5 पे 70 लिखना आसान नहीं है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं बिल्कुल सही है, ये यही आंसर होगा, कंप्लीट हो गया। और लास्ट बच गया है एक, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, स्क्रीन पे लिखना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम सिर्फ लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे आप एरो बना लेना, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पे 50, क्योंकि 5 के बाद 5 डिजिट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, बस यही तो इसका आंसर है, कंप्लीट हो गया प्लेस वैल्यू, और ये ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर नेम लिखने के लिए कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग यूजिंग इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों सिस्टम में ही लिखने के लिए कह रहा है, हालांकि ये मुश्किल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ बतला देता हूँ, बोल देता हूँ, और स्क्रीन पे मैं लिख कर दे दूँगा एडिटिंग के दौरान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो है इसका जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे काउंट करना होगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 32 करोड़, तो करोड़ में है ये 32, तो यहाँ पे लिखना आसान नहीं है, क्योंकि ये 32 करोड़ यहाँ पे इजी नहीं है, मैं सिर्फ बता देता हूँ, करोड़ हो गया, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लिख कर दे दूँगा, यहाँ पे लिखना आसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये है, ठीक है, यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, यहाँ पे 10 करोड़ है, तो यहाँ पे 10 करोड़ ही होगा, सबसे पहले 10 करोड़ वो यहाँ पे तो लिखा ही गया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे क्लियरली लिख के दे दूँगा, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1, 10, 100, ये जो है इसको हम ले लेते हैं,
10 लाख 10 करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ मतलब 32 करोड़ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 करोड़। तो मैं आप लोगों को सिर्फ बतला देता हूँ और इससे आगे लिखना मुश्किल है 82। तो मैं इसका आंसर आप लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द डिजिटल डिजिट 4 एंड 7 इन दिस, इसमें जो है 4 एंड 7 बतला रहा है, क्या बतला रहा है, इंटरचेंज देयर प्लेसेस, राइट द नंबर नेम ऑफ द न्यू नंबर सो फॉर्म, जो नंबर बनेगा उसका नंबर नेम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे तो 4 2 हो जाएगा, उसके बाद 7 की जगह 4 लिख देंगे 4, उसके बाद 9 0 9 0 7 हो जाएगा 9 0, ये 0 यहाँ पे, उसके बाद 7 क्योंकि 4 की जगह में 7 लिखना है, और 9 0 9 0 1 5 ये हो गया। तो इसका हम नंबर नेम लिख देंगे आपको स्क्रीन पे, इसका नंबर नेम लिख कर दे देंगे और उसके बाद जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज मिसेलेनियस एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नेक्स्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।